संजय, ये तो हमारी बेटी की तस्वीर है। इस एग्जीबिशन को कराने वाला कहाँ है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची परी? प्लीज बता दो, हम पिछले 5 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, प्लीज बता दो। देखिए मैडम, मुझे आपसे सिंपैथी है, पर मुझे आपकी परी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। अगर तू कुछ नहीं जानता तो तूने फोटो कैसे खींची? यही है हमारी बेटी परी। बता, कहाँ किडनैप करके रखा है तूने हमारी बेटी को? देखिए मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगे? हेलो इंस्पेक्टर राठौर, मोबाइल वाली बच्ची और तस्वीर वाली बच्ची का चेहरा सेम टू सेम है। विनय जी, संजय जी के मोबाइल में परी की फोटो है जो बताती है कि ये तस्वीर संजय जी और रचना जी की बेटी परी की है। आपने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी? जी ये फोटो मैंने अपने स्टूडियो में खींची थी, यही कोई 5 साल पहले। जहाँ तक मुझे याद है, इस बच्ची को मेरा नौकर कुलदीप लेकर आया था। कहाँ मिलेगा वो? सर उसे तो मैंने लगभग 4 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसे नशा करने की बहुत आदत थी सर, बहुत बुरी आदत थी, और मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दी, नहीं माना तो निकाल दिया। उसका एड्रेस और उसकी फोटो दीजिए। एड्रेस? सर उसका एड्रेस तो मालूम नहीं मुझे। आप किसी को भी ऐसे ही काम पर रख लेते हैं क्या? सर वो खुद चलकर काम मांगने आया था, जरूरतमंद लगा तो मैंने रख लिया, आगे से ध्यान रखूंगा। मगर फोटो है मेरे पास सर, ये है उसकी फोटो। सर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोने पर आपको बनवारी पान वाला मिलेगा, उसे जरूर पता होगा, दोनों दोस्त हैं। अरे साहब 100% पता है कुलदीप का घर। यहाँ आनंद नगर जाइए, मंदिर के बाजू वाली गली से सीधे आगे जाइए, दाएं मुड़िए फिर बाएं मुड़िए, उसके बाद जो गली आएगी उसके आखिरी में जो दाएं बाजू पर घर है वही कुलदीप का घर है साहब। संजय जी आप रचना जी को लेकर घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर। सर सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए, 5 साल हो गए उसे दूर हुए, अब और सहन नहीं होता सर, प्लीज। आप धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। कामिनी जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द कुलदीप तक पहुंचना है। ओ गॉड सर, इसका तो खून हो गया। जिसने भी मारा है वो कुलदीप को अच्छे से जानता था, उसे ये भी पता था कि हम कुलदीप को ढूंढ रहे हैं। सर कहीं ये काम विनय का तो नहीं? देखते हैं चलो। अरे सर आप, कुलदीप का पता चला? किसी ने उसका खून कर दिया है। क्या कुलदीप का खून हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ सर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। विनय जी कुलदीप के रूम से कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कि ये जली हुई सिगरेट, इसे तो आप पहचानते होंगे,
ये आपका ही ब्रांड है। जी सर, ये तो मेरा ही ब्रांड है, पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने ही कुलदीप का खून किया है? मैंने कहां बोला विनय जी कि आपने कुलदीप का खून किया है, लेकिन शक पूरा है। इस वक्त हमारे कातिल का यही एकलौता सुराग है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। इसलिए शक दूर करने के लिए हमें आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। हाँ, मैंने ही कुलदीप को मारा है। मुझे डर था कि कुलदीप पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। हम दोनों मिलकर बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच देते थे। 5 साल पहले जब हमने राजौरी पार से परी को किडनैप किया था तो हमें परी बहुत प्यारी लगी थी, तो कुलदीप उसे स्टूडियो ले गया। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। विनय जी ने उसकी फोटो खींच कर और अच्छे खासे पैसे भी हमें दिए थे, और जब कुलदीप को विनय जी ने निकाल दिया तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो क्या है कि इस महंगाई में किसी का एक का रेगुलर काम होना जरूरी था ना साहब। परी अब कहाँ है, कहाँ भेजा उसे? सर, वो बच्ची तो उसी वक्त भाग गई थी हमारे हाथ से छुटकर। सर, हम बच्चे को किडनैप कर उन्हें नशे की दवाई देकर उनसे भीख मंगवाते हैं। खाओ गली 10 नंबर घर में रखा हुआ है सर उसे। मेरी बच्ची सर, आप लोगों ने हमें हमारी बच्ची से मिला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब बाकी बच्चों के माता पिता ढूंढकर उनके पास पहुंचा दें तो रिलैक्स हो जाएं। आप परी को लेकर जा सकते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज हम आपके घर से कर लेंगे। चलिए कामिनी जी। सर, हम तो एक बच्ची को बचाने निकले थे, लेकिन आपने तो कितने सारे माँ बाप की खुशी ढूंढ निकाली है। आप कमाल हैं। कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है।